हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन यहाँ पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए पर हम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स के 15 चैप्टर भारत में कानून संस्था एवं महिलाओं के अधिकार। दोस्तों, इस लेसन को हम 4 से 5 पार्ट में बांट के करेंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मैं पार्ट बना रहा हूँ, जो एक पार्ट ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 मिनट का बने, क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं जिनके पास ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट है, तो ये लेसन में से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, वुमेन राइट्स को लेकर। तो उसके कारण से इंपॉर्टेंट बनता है, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो कोई बच्चा किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी तरह की जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अक्सर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस कौन से संविधान के तहत, कितने अनुच्छेद के तहत कौन से राइट्स मिलती है, इस तरह को क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरीके से भी ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये कि हमें जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों के पास शोषण होता है, उनके ऊपर शोषण होता है, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाना है, ठीक है, उसके खिलाफ कौन सा लीगल एक्शन लिया जाए, ठीक है, जिससे वो बच सके, तो उनको पता नहीं होता। तो उसको भी जानने का ये बहुत अच्छा माध्यम ही बनने वाला है। तो ये तीन तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से मैंने ये डिसाइड किया है कि इस चैप्टर को टोटल हम 3 से 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो और हमारे लिए यूज़फुल हो, ठीक है। क्वेश्चन में हर पार्ट में बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन चारों पार्ट में चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। लास्ट तक देखें, सारे पार्टों को देखें, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो। आज इसका पहला पार्ट आ रहा है, 1-2 दिन में सारे पार्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में, जैसे कि दोस्तों आपका चैप्टर का नाम ही है भारत में कानून संस्थाएं एवं महिलाओं के अधिकार। सबसे पहले अगर हम भारत के कानून संस्थाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम भारतीय कानूनों को समझते हैं क्या है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारे भारत का कानून क्या है, अंधा कानून है। अंधा जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर कठोर और लचीला दोनों कानून, दोनों तरीके से हमारा कानून वर्क करता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है। कई देश ऐसे हैं जिनका संविधान छोटा है या फिर बहुत छोटा है, और जिसको जब मर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पर हमारा संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके साथ साथ लिखित में है। और वो जिस समय लिखा गया था, उससे वो 500 साल आगे की सोच के लिखा गया है कि उसके हिसाब से वो सब कुछ ढल जाए, ठीक है। आज तक कभी बदला नहीं गया है, ठीक है, उसमें संशोधित होता है। लचीला इतना है कि संशोधित करते हैं हम, उसमें कुछ नया ऐड करते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, ठीक है, उसको घटाना होता है तो घटाते भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण से बनाती है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसमें संविधान को बनाने के लिए ऐसा नहीं था बाकी देशों की तरह कि एक व्यक्ति को काम दे दिया गया, भाई तुम्हें बनाना है, और वो 15-20-50 दिन बाद जब भी हुआ वो ला के दे दिया, भाई ये देखो मैंने ये बुक बना दी। ऐसा नहीं था। हमारे भारतीय संविधान बनाने के लिए क्या किया गया, एक संविधान सभा का निर्माण किया गया प्रॉपर, जिसके तहत सभी सदस्यों को चुना गया। अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से सदस्य चुने गए, हर कम्युनिटी से एक सदस्य को जगह दी गई, जिसके बाद वो उस कम्युनिटी का आवाज़ उठा सके और जो जरूरी मुद्दे हैं उसको सबके सामने रख सके और उसको भी संविधान में ऐड करवा सके। इस तरीके से हमारा संविधान बना। दूसरे देशों को हमने स्टडी किया कि क्या उनके संविधान में क्या कमी है, क्या नहीं है, उसको भी हमने फिर अपने संविधान में डाला, ठीक है। तो इसे उधार का संविधान के तौर पे भी जाना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली एडिशनल चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए संशोधित कानून एवं प्रावधान की, ठीक है, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या, तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं मैं, तो हमारा जो भारतीय संविधान है जैसे ही बना, तो उसमें महिला के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, उसमें सबको एक समान रूप से सबको दिखा और सबको समान अधिकार ही उसने प्रदान किए हैं। पर उसने ये साथ साथ ये भी मेंशन किया कि अगर कोई किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी धर्म जाति को अगर हमें विशेष अधिकार देने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देंगे। मतलब उसने दिया है, उसको भी दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीछे रेस में रह गया है और बाकी सब आगे निकल गए हैं तो उसको रेस में लाने के लिए कुछ अलग से नहीं देंगे, इसको गाड़ी खरीद के देंगे, ऐसा उसने मेंशन किया है, ठीक है। एग्जाम्पल है, कहीं आप दिल पे ना ले लो भाई कि गाड़ी मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आता है। तो हम कैसे कह रहे हैं इसको, क्या है, समझते हैं। आप अगर पश्चिमी देशों की बात करो तो उनके आज़ादी के 100 साल लगे, आज़ादी के बाद भी 100 साल लगे उनको मताधिकार का प्राप्त करने में, महिलाओं को अपना वोटिंग अधिकार प्राप्त करने में 100 साल लग गए। पर हमारा भारत एक ऐसा देश बना जो आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है, 1950 में जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, उन्होंने मताधिकार का अधिकार दे दिया सबको, सबको वोटिंग का अधिकार मिला। वोटिंग का अधिकार तो मिला, पर हमारे भारत की विडंबना यह है कि लोग उसके अधिकार को यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर उन्हें पता नहीं था, या फिर उस तरह अपनी संस्कृति मान मर्यादा में ढके रह गए, ठीक है, कुरीतियों में ढके रह गए, जिसके कारण से वो उसका यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है, समझ में आता है। तो ये इस तरह से आप अगर उस समय की बात करो तो कल्पना चावला, ठीक है, इंदिरा गांधी, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, मदर टेरेसा,
कुछ ऐसी महिलाओं के नाम आपके बुक में बताए गए हैं जो उस समय एक एग्जाम्पल के तौर पे उभरती हैं, ठीक है, कल्पना चावला जो नासा तक जाती हैं, ठीक है, नासा तक पहुंचने का सपना देखा उन्होंने, ठीक है, इंदिरा गांधी जो एक लोह औरत के नाम से जानी जाती है, ठीक है, लोह महिला के नाम से, और आयरन वुमेन के नाम से जानी जाती है इंदिरा गांधी, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, सुंदरी पुरुष, सबसे ब्यूटीफुल सुंदर औरतों की किताब जीत चुकी हैं, मदर टेरेसा, पूरा वर्ल्ड में प्रख्यात हैं सारी चीज़ें। तो ये बता रहा है कि हमारे देश में ना जो अधिकार तो दिए गए सबको समान, ऐसा नहीं है कि जो इंदिरा गांधी के पास अधिकार थे वो आपके पास नहीं थे, आपके पास भी सेम अधिकार थे, इंदिरा गांधी के पास भी सेम अधिकार थे, बट ये चीज़ था कि उसको अपने अधिकार पता था, आपको अपने अधिकार नहीं पता था, ठीक है। मदर टेरेसा, उनको भी, उनके पास भी सेम अधिकार था, आपके पास भी सेम अधिकार था, बट उनको अपना अधिकार पता था, आपको अपना अधिकार नहीं पता था, जिसके कारण से आप यहीं रह गए, वो बहुत आगे निकल गए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस हमारे समाज में बहुत कम है, जिसके कारण से आज हम ये सारी प्रॉब्लम झेलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं वीडियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से शुरू करते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिलते हैं उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो भी टॉपिक हम करेंगे उसको डिटेल एनालाइज करेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, जिससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो, ठीक है। और इसमें मतलब संवैधानिक अधिकार समझ में आता है, संवैधानिक अधिकार क्या हुआ, मतलब जो संविधान के अंतर्गत मिलता है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स को हम मानव अधिकार के तौर पे देखते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। जो मानव अधिकार दूसरे देशों में मिले हैं उसी को हम भारत में मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है मौलिक अधिकार में। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो सरकार सबके सामने क्या, सबको समानता देगा, सबको एक बराबर कानून के समक्ष रखेगा, कोई ये नहीं कि आपको ज़्यादा दे रहा है उसको कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा सरकार को, ये मतलब कहा गया है। हम जो हमारा भारतीय संविधान है वो गारंटी देता है कि वो वास्तव में महिलाओं के लिए विशेष रियायतें पर भी प्रदान करता है, ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष रियायतें मतलब किस प्रकार से, जैसे अगर कहीं पे ज़रूरत है, कहीं किसी जगह पे ज़रूरत है तो उनको आरक्षण की ज़रूरत है, तो हमारा संविधान ये अलाउ करता है कि अगर किसी वर्ग, समुदाय, जाति को ज़रूरत है, ठीक है, लिंग को ज़रूरत है आरक्षण की, तो उनको आरक्षण दे, ठीक है। किसी तरीके से प्रोत्साहन की ज़रूरत है तो उन्हें प्रोत्साहन करे, तो ये सारा कुछ उनको विशेष अधिकार के तौर पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि कानून के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि जैसे लोग एक साथ एक जैसा व्यवहार करें, मतलब एक सा व्यवहार करें, कानून के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लिखा होगा कानून के समक्ष समता का अधिकार, जिसमें एक आ गया एक सा व्यवहार किया जाए, सभी लोगों से एक जैसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार ना हो, ठीक है, सबके साथ एक समान एक जैसा व्यवहार हो, तो यही कानून कानून के समक्ष समता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसमें पिछड़े और जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके लिए एक विशेष प्रकार का कानून भी बनाया जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया, क्योंकि पिछड़े जो वर्ग है, जब मैं पिछड़ा वर्ग ही कह रहा हूँ, कमजोर वर्ग ही कह रहा हूँ, तो मतलब उनको ज़रूरत है कि उनको आगे लाया जाए। सपोज करो एक बच्चा, आपके घर में दो भाई हैं, मान के चलो आपके घर में दो भाई हैं, एक भाई है वो एकदम बहुत हट्टा कट्टा है, ठीक है, दारा सिंह, दूसरा भाई है वो नहीं है भाई उतना हट्टा कट्टा, ठीक है। तो दूसरे भाई को क्या करेगी मम्मी, अगर आपको मतलब नॉर्मल डेली वाला खाना भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले भाई को मम्मी क्या करेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड देगी, ठीक है, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी होगा वो एक्स्ट्रा देगी, जिससे इसको लगे भाई ये भी हेल्दी हो, ठीक है। जैसे दोनों को पता चले ना दोनों भाई हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ये प्रावधान दिए गए कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर पीछे रह गया, तो उसको समान मतलब समान उसमें नाम लाने के लिए, सबके समान करने के लिए, तो उसके कारण से ये प्रावधान दिया गया कि उसको अलग से रियायतें दी जाएंगी, कुछ छूट दी जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सरकार लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, लिंग के आधार पर, कि मतलब ये लड़का है ये लड़की है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा ये कहता है। जिसमें अनुच्छेद 15 कहते हैं दो बातें स्पष्ट की जाती हैं, पहला ये रहता है कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मतलब किसी भी एक आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे लिंग हो, जाति हो, ठीक है, धर्म हो, जन्म स्थान हो, किसी भी इस पे भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट अनुच्छेद 15 के तहत ये कहा जाता है, दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि इनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक दुकान, भोजनालय, मनोरंजन की जगह, तालाब और कुएं का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको दोस्तों याद होगा पुरानी फिल्मों में कि लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था,
ठीक है, लोगों को कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता था, उसके कारण से यहाँ पे अनुच्छेद 15 के अंदर में दो बातें को अलग से ऐड किया गया, जिसमें राज्य किसी भी तरह का कोई वो नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये, कोई भी धार्मिक अनुसंधान हो, ठीक है, धार्मिक केंद्र हो, शिक्षा केंद्र हो, कुआं हो, तालाब हो, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, समझ में आता है। अनुच्छेद 15(3) के तहत, अनुच्छेद 15(3) के तहत भी एक विशेष प्रावधान दिया गया, जिसमें राज्य की महिलाओं के हित के लिए विशेष सुविधाएं जुटाने की शक्ति प्रदान करता है। जो राज्य की महिलाएं होंगी उनके विशेष हित के लिए एक शक्ति जुटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 93वें संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत धारा राज्य के किसी भी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान शक्ति प्रदान करता है। जब 93वां संशोधन हुआ तो उसके अंदर में अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के लिए जितने भी थे ना, उन अल्पसंख्यक, इन सबको एक विशेष अधिकार मिला, जिसमें शैक्षणिक संस्था ये सब में वो किस कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। इवन इनको ये प्रावधान दिया गया कि अगर किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था में लेते हैं, वहाँ पे जरूरत होगा किसी तरह का विशेष रियायत देने की, छूट देने की, तो वो भी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई। अनुच्छेद 16 को अब समझते हैं दोस्तों। इसके एक एक अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद करें सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाए गए पार्ट्स हैं, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जाके पढ़ लो डायरेक्ट, ये पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप सो। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में कहा जाता है कि इस बात की गारंटी देता है, अनुच्छेद 16 इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, जन्म प्रमाणपत्र, जन्म जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि भाई आप इस जाति से हो, इस धर्म से हो, तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसके लिए राज्य को बाधित किया गया कि आप किसी भी धर्म, जाति, वंश के नाम पर भेदभाव नहीं करोगे, किसमें तो नौकरियों में, ठीक है। पर उसने साथ साथ में एक अपवाद ये है कि अगर मान लो किसी मंदिर के अंदर में पुजारी की ज़रूरत है, सरकारी मंदिर है तो वहाँ पे पुजारी की ज़रूरत है, ट्रस्टी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे किसी और को वो नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें एक विशेष धर्म की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें किसी एक विशेष धर्म वाले को ही मांग रहा होगा तो वहाँ पे ये करेगा। किसी किसी पोस्ट में क्या होता है कि स्थान, जन्म स्थान की बात करते हैं कि आप इसी जन्म स्थान से बिलोंग करोगे तो यही होगा। यहाँ पर अगर मान लो आप हरियाणा में जॉब करने जा रहे हो, पटवारी का काम है, एक मान के चलो एग्जाम्पल के लिए पटवारी काम है, तो आप अगर केरल से बिलोंग करते हो तो क्या सोचेगा कि केरल से दूंगा तो यहाँ पे आएगा बंदा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी उसको भी। अगर मैं यहीं के बंदे को जॉब दूँ, अगर मैं यहीं के बंदे को जॉब दूँ तो यहाँ पे सब कुछ आसान से, वो पहले से जानता होगा किसका खेत किधर है, क्या नहीं है, क्या जो भी है काम वो जानता होगा, तो ईजी होगा, ईजी होगा, लोकल लैंग्वेज जानता होगा, लोकल लोगों से परिचित होगा, तो ईजी काम कर सकता है। इस कारण से वो कहीं कहीं पर अपवाद भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जहाँ पे जन्म स्थान ये सब चीज़ें मायने करती हैं। किसी विशेष पद की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे धर्म, जाति, समुदाय ये मायने रखती है। ऐसे समुदाय अनुच्छेद 16 के तहत ये कहा गया है कि राज्य किसी भी को, सबको, मतलब जो नागरिक अधिकार है वो देगा, जिसमें वंश, जाति, धर्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको सरकारी नियुक्तियाँ के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा, मतलब सबको योग्य ठहराएगा। अनुच्छेद 21 में कहता है कि संविधान व्यक्ति को जीवन संरक्षण एवं निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है, भाई निजी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान गारंटी देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन या निजी स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो संविधान के, अगर किसी संविधान के तहत आपको कोई रूल आ रहा है वंचित करना है किसी प्रक्रिया से, तो वो सिर्फ किया जाएगा, नहीं तो किसी भी और तरीके से नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 86वें संशोधन 2002 में भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और देखो 86वें संशोधन के अधिनियम के तहत जो 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, उसके तहत ये कहा गया कि भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, जब इसमें भाग 3 के अंदर में जब दोबारा चेंजेस हुआ, भाग 4 के अंदर में दो अनुच्छेद जब संशोधित किए गए, एडिट किए गए, तो यहाँ पे क्या कहा गया, राइट टू एजुकेशन, आपने सुना होगा RERTE, राइट टू एजुकेशन। RTE के तहत क्या है कि पहली से 8वीं तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर में राज्य को कंपलसरी है कि वो फ्री शिक्षा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संशोधन के बाद इसको ऐड किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंदर में, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अगर अनुच्छेद की 22 करते हैं, यहाँ पे बंदीकरण, नज़रबंदी के संबंध में बचाव, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि तीन अधिकारों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। पहला कि भाई जिसे बंदी बनाया गया उसे जानकारी दो, ठीक है। यहाँ पे बंदीकरण, अगर मान लो कभी आपको
पुलिस पकड़ के ले गई, तो वहाँ पे आपके राइट है, इसको हमें पता होना चाहिए। पहला ये, अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो सबसे पहले रीज़न बताएं, वैलिड रीज़न कि आपको क्यों पकड़ के ले गया है। दूसरा ये कि भाई आप अगर पकड़ के ले भी गया है तो दूसरा ये कि आपको अपने मनपसंद वकील, जिससे अभी आपको बात करनी हो, मनपसंद जो वकील हो आपका, उससे बात करने की इजाज़त दे, ठीक है, वकील चुनने की इजाज़त दे। तीसरा ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट जो वहाँ का होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करे, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करे, उसके आगे के बिना वो 24 घंटे ज़्यादा आपको नहीं रख सकता। इस तरह से 3 अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 22 के अंदर में दिए गए हैं, ठीक है, जो महिलाओं के ऊपर, पुरुष के ऊपर, सबके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। इसमें विशेष ये नहीं कहा गया कि ये अधिकार महिलाओं के लिए, इसमें सभी के लिए बराबर, जो समानता का अधिकार ऊपर जितने भी अनुच्छेद मैंने बताया आपको, उसमें ये नहीं कहा गया विशेष तौर पर कि ये महिलाओं के लिए है, बट वो सारे अधिकार सबके लिए, अगर कहीं भी किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें उसका अधिकार आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हो तो अनुच्छेद 23 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 23 के अंदर में मानव व्यापार और बेकार मना ही है। मानव व्यापार मतलब क्या, देखा होगा आपने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, औरतों को, बच्चों को, इंसानों को बेच देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बंधुआ मजदूर बना के काम करवाते हैं, तो इसको गैर कानूनी ठहराया गया। इसके अंदर में मतलब इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया कि मानव व्यापार किसी भी व्यक्ति से बेगार लेने की मनाही है, तथा इसके प्रावधान कि प्रावधान किसी भी प्रकार के उल्लंघन एवं गैर सरकारी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसे गैर सरकारी अपराध भी इसे घोषित किया गया है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर में नॉर्मली कहा गया है कि भाई किसी भी जाति, धर्म, वंश, सेवा, लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा, जो मतलब ये कानून को अगर लागू करना है इसकी सेवाएं के लिए, ठीक है, इसमें किसी भी जाति, धर्म, वंश के आधार पर नहीं किया जाएगा। जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग ये सोचते थे यार ये छोटी जाति का है, ये छोटी जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, तो इस ये मेरे घर के अंदर काम करेगा ही करेगा, मजबूरी है इसकी, चाहे मतलब बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा ही करेगा क्योंकि ये छोटी जाति का है। बट यहाँ पे कहा गया कि इस रूल को फॉलो करवाने के लिए, इस रूल को मनवाने के लिए इस तरह से कोई भी भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाएगा, समझ में आता है। अनुच्छेद 24 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 के अंदर में क्या गया, कहा गया कारखानों आदि में बच्चों को काम करने की मनाही दी गई, इसमें जिसमें कारखाने आदि में बच्चों की मनाही मतलब क्या, जिसमें ये एक एज तय किया गया अनुच्छेद 24 के अंदर में, ये एज तय किया गया जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह से फैक्ट्री इन सब में काम करने से रोका गया, ठीक है, ये काम करने से रोका गया, इसकी बात की गई है, ठीक है, क्योंकि ये जोखिम भरे काम है इनके लिए कहा गया। अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत शोषण से अभिप्राय, यहाँ पे क्लियर भी किया गया कि शोषण क्या है, इसको शोषण की कैटेगरी में माना गया, अगर बच्चे को आप किसी तरह से काम लगा करवाते हो 14 साल से कम है तो शोषण की कैटेगरी में ही आता है। और यहाँ पे 23-24 को डिफाइन किया गया कि शोषण है क्या, तो शोषण मतलब अपने प्रयोजन के लिए व्यक्ति का प्रयोग करना, अपने मकसद के लिए किसी को प्रयोग करना। मान लो आपको अपनी फैक्ट्री है, आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा माल बने, लेबर कम है, तो आपने एक बच्चे को लगा दिया 13 साल का, यार इसको अगर मान लो कम पैसे भी दूंगा तो ज़्यादा मेरे काम कर देगा, कम काम भी करेगा तो कम पैसे में सही है, 5 बच्चे लूंगा ज़्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना प्रयोजन देख रहे हो, अपना मकसद देख रहे हो, तो उसके कारण से ये कई बार आप जो फैमिली में मतलब रेप केसेस के आते हैं, ठीक है, स्कूल स्कूल बहुत जगह आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा अक्सर, तो उस तरह के केसेस में भी क्या होता है कि वो अपना व्यक्ति अपना प्रयोजन देख रहा होता है। अगर किसी के रेप हुआ तो अपना उसमें रेप करने वाला अपना प्रयोजन दिखाना, अपना मकसद दिखाना उसने, तो वो भी शोषण के लिए ही माना जाता है, शोषण के अंदर में आता है। सबसे पहले अगर वो केस दर्ज होगा तो अनुच्छेद 24 के तहत शोषण का ही केस दर्ज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप देखोगे तो संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चर एवं एजुकेशन, एजुकेशनल राइट, ये है क्या, ठीक है। कल्चर एवं एजुकेशनल राइट्स के अंदर में अनुच्छेद 29 के अंदर हम कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, भारत के किसी भी प्रदेश या किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी लिंग, भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। राजकोष से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति अथवा भाषा के आधार पर दाखिला देने से इंकार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें कहा गया कि अगर मान लो आप किसी जगह पर रहते हो, आपके 50 लोगों का समूह है, आप किसी अलग तरह की भाषा बोलते हो, किसी अलग तरह की संस्कृति है, तो आपको रोक नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर सरकार की तरफ से कि आप इसको नहीं मान सकते, आप अपना मान सकते हो, आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने आज़ादी दिया। पर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर मान लो कोई आपका स्कूल है, जैसे आपने एक स्कूल खोल दिया, रिलीजन एक स्कूल खोल दिया, ठीक है, उसमें आपको किसी धर्म के बारे में सिखा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, अगर मैं उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ तो आप ये कहो कि नहीं मैं सिर्फ इसी को सिखाऊंगा, तब वो
पाबंदी है उसके लिए कि भाई आपको नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। पर वो किस सूरत में, अगर आपका कॉलेज स्कूल प्राइवेट है तब आप मना कर सकते हो, पर अगर सरकार उसको फंड दे रही है तब आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकारी तौर पर है, सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि वो मना नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर आप आगे अनुच्छेद 30 की बात करते हैं, अनुच्छेद 30 क्या है, जिसमें अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रबंध किया गया है, जिसमें कोई भी अल्पसंख्यक अपनी खुद का इंस्टीट्यूट जैसी चीज़ें स्थापित कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म अथवा भाषा के आधारित हों, अपनी पसंद की शिक्षण संस्था में काम और उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा। ठीक है, राज्य ऐसी संस्थाओं को शिक्षा, मतलब भेदभाव नहीं करेगी कोई, अगर मान लो कि कहने का मतलब ना, आप कोई अल्पसंख्यक है उसका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट या कुछ और स्थापित करना चाहता है तो राज्य उसमें हेल्प करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर मान लो राज्य फंड दे रही है तो दो इंस्टीट्यूट हैं, दो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एक नॉर्मल और एक अल्पसंख्यक का, तो राज्य इसको फंड दे रही है तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं देगी, इसको भी देगी, भेदभाव नहीं कर सकती है। जब अगर सब कुछ सही है तो ऐसा नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हो तो आपको भी फंड मिला, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 के अंदर में कहा गया, राज्य को काम करने का उचित मानवीय परिस्थिति प्रसूति सहायता के संबंध में प्रावधान करने का निर्देश देता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ना, राज्य को काम करना उचित मानवीय परिस्थितियों तथा प्रसूति के संबंध में प्रावधान का निर्देश देता है, जिसके मतलब ऊपर में संविधान के अनुच्छेद 15 AE, यहाँ पे देखोगे 15 AE के प्रत्येक नागरिकों को यह मौलिक कर्तव्य सौंपता है कि महिलाओं के प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार शैली को त्याग करे। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कहा गया, विशेष अधिकार दिया गया, अगर किसी भी तरह का काम करना उचित मानवीय परिस्थितियों के प्रस्तुति हो उसके संबंध में अधिकार देता है, निर्देश देता है कि किस तरह से कार्य करने हैं। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं स्त्रियों के विवाह से संबंधित कानून, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के विवाह से संबंधित कानून के बारे में। पहले जो मतलब नॉर्मली अगर आप बात करोगे विवाह की, तो पहले हमारे भारत के अंदर में क्या था, बहुविवाह प्रचलित थी, हिंदू धर्म में बहुविवाह, हिंदू धर्म में क्या कई सारे धर्मों में अभी भी प्रचलित है और उस समय प्रचलित थी बहुविवाह की, एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या प्रचलित थी, बहुविवाह प्रचलित थी, बाल विवाह प्रचलित थी, सती प्रथा जैसे कुरीतियाँ प्रचलित थी हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, जिसे धीरे धीरे टाइम में आते आते बंद कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदू विधवा पुनर्विवाह आप देखोगे 1965 लागू किया गया, जिसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना मतलब कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक है, उससे पहले जो 1965 वर्तमान में मतलब विवाह के जो अधिनियम था, ब्रह्म समाज अधिनियम के तहत 1872 लागू था, जिसमें एक हिंदू को किस हिसाब से शादी करना वो ये बताता है। ठीक है, अधिनियम के में एक हिंदू विवाह के लिए चार अनिवार्य शर्तें रखी गई। ठीक है, हिंदू में ये विवाह के लिए एक चार अनिवार्य शर्तें क्या रखी गई कि इसमें से मतलब जो संबंध हो, चार अनिवार्य शर्त रखी गई, वो क्या थी, वो एक विवाह करेगा। ठीक है, मन स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ मन रहना चाहिए, मतलब जा राजी होगा, विवाह योग्य आयु और पक्षकार के निकट से संबंधित ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से रिलेटेड ना हो, पास से संबंध ना करे। ठीक है, एकदम मतलब रिश्तेदारी में ना पड़े, जो एकदम पास का रिश्तेदार का ना हो, ये चीज़ मतलब तय की गई हिंदू वाले एक्ट के अंदर में। ठीक है, इसी तरह से मुस्लिमों का भी बनाया गया, सभी धर्मों का बनाया गया, पर मतलब हिंदू एक्ट को ज़्यादा किया गया, पर मुस्लिमों के लिए क्या था, वहाँ पर शरिया कानून इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसमें इस्लामिक कानून के तहत ये कहा गया कि वो चार शादी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की वो रियायतें दी गई। ठीक है, अपनी मर्जी से तलाक बोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कही गई। ठीक है, समझ में आता है, तो यहाँ पे ये हम बात करते हैं। तो हिंदू के अंदर में जब 1956 के अंदर में दोबारा से संशोधित किया कानून को, तो उसमें दत्तक पुत्र अनुरक्षण के लिए बात की गई। ठीक है, दत्तक पुत्र पत्नी मतलब पुनर्विवाह, ये सब चीज़ें का आरक्षण की बात की गई, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आता है। अगर आप बात करोगे मुस्लिम धर्म में कि क्या चीज़ें, चार कौन सी चीज़ों के बारे में, जो मेन चार चीज़ें हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला वो दो विवाही ना हो, उसके दो भी शादी ना हो, इसमें से एक मानसिक असंतुलित पीड़ित ना हो। ठीक है, पीड़ित हो, कोई एक पक्ष मानसिक असंतुलन से पीड़ित हो। ठीक है, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष ना हुई हो। ठीक है, मतलब अगर ना कोई अनुपालन ना करे, मतलब जो सरकार ने कानून बनाया इसके ऊपर में शर्त लागू करा कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो अगर आप हिंदू धर्म मतलब जो आज के समय हमारे भारतीय कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति की पहले से शादी हो रखी है, अगर वो दोबारा शादी करता है, पहली वाली वाइफ है, ठीक है, तो वो इलीगल माना जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वही से कहता है कि दुविवाहित ना हो, ठीक है, पांचनिक असंतुलन ना हो, लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष ना हो। ठीक है, लड़के एवं लड़की के अत्यधिक निकट का संबंध अथवा कानूनी भाषा एवं निषेधात्मक संबंध से संबंध में
मतलब वो किसी तरह से पास का ना रहता हो, इतना आप कानूनी भाषा समझोगे इसे अच्छा सीधा संपलो, कि वो किसी तरह से रिलेशन पास में ना पड़ता हो, ठीक है। ये नहीं कि आपका बहन भाई निकल रहा है, इस तरह का ना हो। और हमारे हिंदू में क्योंकि अगर आप एक गोत्र में भी शादी करते हो तो बहन भाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका गोत्र ए है और आपने शादी अपने बच्चे की ए गोत्र में ही करने जा रहे हो, तो जो लड़का लड़की होंगे वो दोनों भाई बहन निकल जाएंगे। आप अगर गोत्र आपका ए है तो आपको गोत्र बी में, सी में, डी में, ई एफ जी एच जिसमें भी करो, पर ए में नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है, तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में से अगर कोई बच्चा है तो उसको पता होगा। मुझे यहाँ पे किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है, पहली चीज़ दोस्तों। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हमारा रिलीजन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लेकर भारत के से लेकर बनेगा कि भारत में वर्तमान में महिलाओं के अधिकार के स्वरूपों की विवेचना कीजिए। मतलब इस समय जो करंट टाइम में जो भारत के अंदर महिलाएं रहती हैं उनकी किस प्रकार से अधिकार है उसको बताना है हमें, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स आएंगे, और आने वाले पार्ट्स में मैं और पॉइंट्स बताऊंगा तो वो भी आप उसमें इंक्लूड करोगे। आज का ये पहला पार्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारे अनुच्छेदों को पढ़ा। कल से जो हम आगे पढ़ेंगे, कल वाला जो पार्ट दे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा कानून है, ठीक है, हमारे भारत में होते हुए भी पास नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ फैक्टों को जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, जिसकी चाहे आप पति के संपत्ति में विधवा का गारंटी, न्यूनतम गारंटी हो, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के दाय प्रति, तो ये इस तरह की चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है, 4 से 5 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए तो प्लीज़ सजेस्ट जरूर करें। आपका एक एक सजेशन, एक एक समय कमेंट, एक एक लाइक, सब्सक्राइब हमें इंस्पायर करता है कि और वीडियो बनाएं और अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फ्रेंड्स लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।